नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके क्रिप्टो चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी कल काफी काम कर सकते हो। हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, दोस्तों आपके सामने चार्ट है। हमने जो कुछ एनालिसिस किया था वो अभी भी चार्ट पे वैसे का वैसे ही है। कल का वीडियो जाके जरूर देखिए, लर्निंग तो मिलेगी। आज वही वापस हम थोड़ा रिव्यू करेंगे उसके बारे में, मार्केट ने कैसे काम किया, निफ्टी और बैंक ने कैसे काम किया वो आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों कल का जो हमने एनालिसिस किया था वो चार्ट पे मैंने वैसे रखा है क्योंकि आपको लर्निंग मिलना चाहिए। एक दिन पहले आपको लाइव ट्रेड मिल रहा है दोस्तों, अगर वो लेवल्स के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी में 200-250 आराम से मिलेगा और निफ्टी में 70-80 पॉइंट्स मिल रहे हैं। हमने बैंक निफ्टी में कल क्या डिस्कस किया था, मैंने क्लियरली आपको बोला था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन जब भी ब्रेक होगा, ओके सेफ ट्रेडर्स के लिए बोला था मैंने, और सॉरी रेजिस्टर्ड सेफ ट्रेडर्स को मैंने बोला था ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी में। ओके तो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या हुआ, रिटेस्ट किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी जो कि लेवल था, लेवल बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे 44,960 या 50 के आसपास, मतलब 44,960 के आसपास, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग देखा, यहाँ पे क्लोजिंग देखा कैंडल का, क्लोजिंग यहाँ पे कैंडल का 44,970 का क्लोजिंग है दोस्तों। यहाँ से बैंक निफ्टी ने मूव दिया लगभग 45,140 का मूव दिया, 45,140 यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको 180 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में मूव मिला है, 180 पॉइंट्स का। ये हमने फर्स्ट सिनेरियो डिस्कस किया, सेकंड सिनेरियो डिस्कस किया था जो सेफ ट्रेडर से यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हमें 15 मिनट्स का चाहिए आफ्टर कंसोलिडेशन यहाँ पे मिला है दोस्तों, हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। तीसरी जो हमने बात बताई थी, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता, वापस ए लेवल के नीचे आ जाता है, यहाँ पे वापस कोई 15-5 मिनट का क्लोजिंग मिल जाता है तो डेफिनेटली हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 44,600 का हमने टारगेट बोला था। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो एक कैंडल बेयरिश कैंडल बनी, यहाँ पे ये लेवल के क्लोज होने, ये लेवल के नीचे ही क्लोज हुई, वहां पे क्लोजिंग में आपको बताना चाहता हूं 45,000 पे क्लोजिंग मिला दोस्तों, यहाँ पे 45,000 पे अगर आपने एंट्री लिया रहेगा तो आपको यहाँ पे 400 पॉइंट्स का लगभग बैंक निफ्टी में डाउन साइड में टारगेट मिला रहेगा। तो ये हमने कल डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में, तो कल के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे काम कर सकते हैं और हमें कैसे काम करना है। पहले हम चार्ट क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर दो चार्ट, मतलब हमें दोस्तों आपको सिर्फ लाइव मार्केट में आपको प्राइस एक्शन, मतलब अगर आप प्राइस एक्शन परफेक्टली देख, मतलब लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन में आप काम करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं हर रोज आपके पास लेवल देता हूँ, वो लेवल से काम कीजिए, डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट तो बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, आपका साइकोलॉजी चेंज होगा, बड़े टारगेट्स के लिए आप धीरे धीरे खेलने लगेंगे। तो देख लेते हैं कल के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्लियरली हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमने लेवल बताया था ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन बार बार मार्केट वही लेवल पे आके रुका है और आज भी वही लेवल पे आके रुका है बैंक निफ्टी। अभी कल क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में क्लियरली डिस्कस, मतलब क्लियर हमें एनालिसिस करने के लिए इजी जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होता है कल, यहाँ पे लेवल तो इसने ब्रेक कर दिया है, फ्लैट ओपन होता है और ए लेवल को ब्रेक कर देता है दोस्तों, डेफिनेटली यहाँ पे 44,400 के लेवल्स हमें इमीडिएटली दिख रहे हैं, 44,400 डाउन साइड में, ओके 200 पॉइंट्स हमें टारगेट मिल जाएगा, ओके 200 पॉइंट्स का टारगेट मिलते हैं आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है ये फर्स्ट लेवल है। अगर यहाँ पे आपको सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, थर्ड टाइम यहाँ पे आए, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देख रहा है, यहाँ पे 15 मिनट का कुछ ग्रीन कैंडल बन रहा है, वहां पे आपको एंट्री करनी है, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनने देना है, वहां पे थोड़ा करेक्शन फिर एंट्री, उसी कैंडल का आपको ऐसे लगाना टारगेट ये लेवल तक हमारा रहेगा 45,000 तक, ये साइकोलॉजी लेवल हो चुका है। अभी यहाँ पे थर्ड टाइम रिटर्न आया बैंक निफ्टी, मतलब यहाँ पे थोड़ा वीकनेस बैंक निफ्टी में दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने लगा है, बाद में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा।
लेकिन हमारे टारगेट 200-200 पॉइंट अपसाइड और डाउन साइड में है। यहाँ पे अगर गैपो ओपन होता है दोस्तों, गैपो ओपन होता है ये लेवल को, मैंने जो ये लेवल डब्ल्यू पैटर्न में जो नेकलाइन बताया था वो लेवल को, वो लेवल बता दे जो आपको 44,950 को ब्रेक कर देता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा रिस्की बन जाएगा ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे वापिस रेजिस्टेंस आ रहा है। लेकिन अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है तो ए लेवल के ऊपर ही आपको सेफ एंट्री लेनी है, 45,100 के ऊपर। यहाँ पे टारगेट अच्छे मिलेंगे कब, जब हमें ए लेवल ब्रेक हो जाएगी दोस्तों, जो लेवल मैं बताना चाहूंगा, हमें ए लेवल ब्रेक 45,100 लेवल ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही 45,100 लेवल ब्रेक होगी हमें इमीडिएटली 500 पॉइंट अपसाइड में देखने को मिल सकेंगे, और डाउन साइड में अगर ए लेवल ब्रेक होती है, लेवल मैंने बता दिए 44,600, जैसे ही ब्रेक होती है हमें 400 के टारगेट्स मिलेंगे। यहाँ पे 200 पॉइंट डाउन साइड और 500 पॉइंट्स अपसाइड लेवल्स बता दिए दोस्तों। चलो निफ्टी का भी देख लेते, निफ्टी का क्या एनालिसिस किया था, उसी हिसाब से निफ्टी ने काम किया है। यहाँ पे हमने निफ्टी का भी सेम एनालिसिस किया था, ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन के ऊपर ओपन होता है, जो सेफ ट्रेडर्स के लिए तो मैंने डेफिनेटली बोला था, सेफ ट्रेडर्स ए लेवल के ऊपर, जो लेवल हमने बताया था 19,450 का लेवल बताया था दोस्तों, 19,450 निफ्टी रिवर्स हुआ, वापस ई लेवल पे आके रुका है। तो जो निफ्टी ने कार्य किया था, निफ्टी ने अच्छा काम किया है आज के लिए, कल के लिए देख लेते दोस्तों क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, निफ्टी वापस वही जो मेजर सपोर्ट जोन है वही आके रुका है, अभी क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगर ए लेवल अगर वापिस ब्रेक कर देता है निफ्टी, ए मतलब लेवल बताना चाहूंगा मैं, वापिस लेवल 19,400 अगर ब्रेक हो जाता है दोस्तों, तो डेफिनेटली हमें 19,300 इमीडिएटली कल ही देखने को मिलेगा, नहीं तो एक्सपायरी आ रही है तो एक्सपायरी के दिन ही डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन ए लेवल ब्रेक होना चाहिए तभी हमें वो 19,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये हो गया, फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल ब्रेक करता है तब का सिनेरियो। अगर निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है, सेकेंड सिनेरियो में गैप डाउन ओपन होता है तो वेट फॉर रिट्रेसमेंट, थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा यहाँ पे, रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे कुछ रिजेक्शन मिला तो डेफिनेटली यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाइए, और यहाँ पे 19,300 हमारा टारगेट रहेगा वापस डाउन साइड में। यहाँ पे अगर गैप ओपन होता है दोस्तों, यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद थोड़ा मुझे आपको और सबको कॉशियस रहना पड़ेगा। गैप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक लेवल है, जो लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा, लेवल है 19,470 का, 19,480 ये जो लेवल है, जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश नहीं रहेंगे। यहाँ पे अगर गैप ओपन होता है ये लेवल के पास आ जाता है 19,480 या 90 के आसपास, तो वहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन दिखता है तो डेफिनेटली पुट में बैठना है, और टारगेट फर्स्ट हमारा रहेगा 19,400 का। तो दोस्तों गैप अप, फ्लैट और अप, गैप डाउन तीनों ही सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए, उसी हिसाब से आपको मार्केट में काम करना है, विद रिस्क रिवार्ड विद प्रॉपर एनालिसिस। आप मार्केट में ये लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखो, बहुत हेल्प होगी दोस्तों। यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट मेरा व्यू था वो शेयर किया, उसी हिसाब से आप काम करो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहे हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।